जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में। हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस क्लास 7 एनसीईआरटी। तो इसका जो चैप्टर 8 है उसका टाइटल है अ शर्ट इन द मार्केट, यानी बाजार के अंदर एक शर्ट। तो ये चैप्टर जो है हमें पूरी जर्नी के बारे में बताता है एक शर्ट की, कैसे वो बनती है, कहाँ कहाँ से गुजर के वो हम तक जो है आती है। तो इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहीं पर जो है हम सारी बातें करेंगे। चैप्टर नंबर 8, ठीक है, यहाँ पे जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अ शर्ट इन द मार्केट। ठीक है, ये जो है टाइटल है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो, दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट, मतलब कि एक शर्ट की क्या कहानी होती है, कैसे वो प्रोड्यूस होती है और फिर कहाँ कहाँ से गुजर के हम तक आती है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इट बिगन्स विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ठीक है, कपास जो होती है उसकी प्रोडक्शन के साथ में जो है इसकी जर्नी शुरू होती है, मतलब ठीक है। और ख़त्म कब होती है, जब जो ये शर्ट है पूरी बन जाती है और बिक जाती है। ठीक है, यानी हम जो है उसको जब खरीद लेते हैं तो इसकी जर्नी एंड हो जाती है। तो हम क्या देखने वाले हैं, वी शैल सी दैट अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन सुपर मार्केट। मतलब क्या कि हमें जो है कौन लिंक करता है एक प्रोड्यूसर के साथ में, यानी जो फार्मर है जो कपास उगा रहा है अपने फार्म के ऊपर, अपने खेत पे। ठीक है, ना तो वो हमें जानता है ना हम उसे जानते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब कि कौन जो है हम दोनों को लिंक करता है, वो है मार्केट की चेन। ठीक है, जो मार्केट जो है, बड़ी मार्केट, छोटी मार्केट, सुपर मार्केट, ठीक है, वीकली मार्केट, तो ये जो मार्केट्स होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, चेन जो होती है इनकी, ये हमें कनेक्ट करती है एक प्रोड्यूसर के साथ में, यानी फाइनल कंज्यूमर को। यानी जैसे कि जो हम खरीदते हैं, हम हैं फाइनल कंज्यूमर, हम खरीदेंगे एक शर्ट को मार्केट में, और जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है, ठीक है, उसके साथ में जो है हमें ये मार्केट्स लिंक करेंगी। तो इनका जो है बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन, मतलब हर स्टेप पे जो है आपको बाइंग और सेलिंग जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई ट्रेडर जो है वो बेच रहा है, कोई ट्रेडर जो है वो खरीद रहा है। ठीक है, मतलब खरीदना बेचना जो है चलता रहेगा जब तक ये शर्ट जो है हम नहीं खरीद लेंगे। ठीक है, तो हम जो है एक फाइनल स्टेप पर हैं, मतलब हम इस साइड पर हैं चेन की, और जो प्रोड्यूसर है वो उस साइड पर है, और बीच में जो है ये सारे हैं ट्रेडर्स। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है मतलब शर्ट वो गुजर के जाती है और हम तक जो है पहुंचती है। तो डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस, क्या सभी को उतना ही फ़ायदा होता है? क्या जो फार्मर जो स्टार्टिंग में प्रोड्यूस कर रहा है कॉटन को, कपास को, क्या उसे भी उतना ही फ़ायदा हो रहा है जो बीच में एक ट्रेडर को हो रहा है? ये बात जो है बहुत मतलब कि ना आश्चर्यजनक है। मतलब हमें जो है जब हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट होता है एक फार्मर को वर्सेस एक बड़े ट्रेडर को, तो वी विल बी शॉक्ड कि कितना ज़्यादा जो है मार्जिन में, मतलब कितना ज़्यादा मार्जिन आता है उनके प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि हम देखने वाले हैं, आगे बात करेंगे इसके, मैं अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं बस लाइन टू लाइन आपको समझा रहा हूँ कि क्या जो है इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स, मतलब वही है कि क्या एक फार्मर मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट मतलब करता है, यानी उसको जो है ज़्यादा फ़ायदा होता है या कम फ़ायदा होता है एक ट्रेडर से, यही कंपैरिजन जो है हम देखने वाले हैं। ठीक है, आखिरी तक जो है यही बात हम जान चुके होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल। अब कुरनूल जो है एक जगह है आंध्र प्रदेश में। मैंने अपने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी जो है उसके वीडियोस में ये बात डिस्कस भी की है कि कुरनूल जो है, कुरनूल केव्स के नाम से जो हम उसमें डिस्कशन करते हैं कि वहाँ पे कैसे पुराने ज़माने में एंशियंट टाइम पे जो है लोग रहते थे। ठीक है, जो मतलब कि एंशियंट मैन था वहाँ पे, मतलब उनके जो है ट्रेसेस मिले हैं, तो उस बारे में मैंने डिस्कस किया है काफ़ी। अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो आपको पता चल गया होगा कि आपको जो है मतलब याद आ गया होगा कि कुरनूल कहाँ पर है। ठीक है, आपको ऐसी जगह के नाम याद पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, आपको यही नहीं पता कि कुरनूल जो है नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, तो मतलब कि वो तो फिर टोटली गॉन केस हो गया ना, समझ रहे हो। आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ साउथ इंडिया में तो है, इस साइड में यहीं कहीं मिलेगा, तो मतलब कि इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो स्वप्ना जो है, ठीक है, स्वप्ना एक महिला है, वो क्या करती हैं अपने फार्म के ऊपर, यानी जो अपना उनका जो खेत है वहाँ पे वो कॉटन उगाती हैं। ठीक है, वो एक छोटी फार्मर है, मतलब एक स्मॉल फार्मर है, और जब कॉटन प्लांट, ठीक है, यानी कॉटन प्लांट जो है वो राइप हो जाता है, यानी जो बॉल्स होती हैं, ठीक है, जो कॉटन बॉल होती है उसमें मतलब कि वाइट कलर की कॉटन होती है, समझ रहे हो। तो कॉटन बॉल जो है जब वो ऐसे खुलती है, ठीक है, जो फ्लावर जो है वो खुलता है, ठीक है, मतलब कि वो राइप हो रहा है, और उसमें से जो है कॉटन को निकाल लिया जाता है ऐसे, समझ रहे हो।
तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होती है। तो सपना जो है बेसिकली वो बिजी हैं कॉटन को प्लग करने में, कॉटन को पिक करने में। तो जो ये बॉल है जो कॉटन को कैरी कर रही है, ये मतलब कि एक साथ में नहीं खुलती हैं बहुत बार, ठीक है। आप जब कभी देख गए हो खेत खलिहान में अपने फार्म पर, तो आपने देखा होगा कि कुछ जो कॉटन बॉल्स हैं वो काफ़ी खुल चुकी हैं, मतलब उनमें से कॉटन आप निकाल सकते हो, लेकिन कुछ जो बॉल्स हैं वो इतनी अभी राइप नहीं हुई हैं, ठीक है, वो अभी कच्ची हैं, मतलब कि उनको थोड़ा टाइम और लगेगा कि उसमें से जो कॉटन है वो पूरी मतलब कि उभर के आए। तो इसीलिए जो है दे डू नॉट बस्ट ओपन एट ऑल एट वंस, ठीक है। सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन, मतलब कि आप एक दिन पे ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई चलो हार्वेस्ट करने चलते हैं, ठीक है। कपास को चुगने में, उसको चुगना बोलते हैं, कपास जब चुगते हो आप, ठीक है, खेत खलिहान में कभी आप गए हो तो उसको हिंदी में चुगना बोलते हैं। तो कपास जब आप चुगते हो, कलेक्ट करते हो यानी पिक करते हो, ठीक है, तो वो एक दिन पर ही नहीं, वो मतलब कि मल्टीपल डेज पे आपको करनी पड़ती है, क्योंकि एक दिन पर जो है कपास मतलब सारी की सारी पूरी जो है ना राइप नहीं होती, सारे जो कॉटन बॉल्स हैं, ठीक है, वो राइप नहीं होते एक ही दिन पर, ठीक है। कुछ थोड़े कच्चे होंगे, कुछ थोड़े उससे ज़्यादा पक्के होंगे, कुछ बिल्कुल ही जो राइप हो चुके होंगे जिनमें से कॉटन जो है बिल्कुल बाहर निकल के आ रही होगी, आपको बस आराम से निकालनी वो कॉटन, ठीक है। तो ऐसे जो है ना अलग अलग डेज पे आपको हार्वेस्ट करना पड़ता है कॉटन को। अब क्या होता है कि जब कॉटन कलेक्ट हो चुकी है ना, जब सपना ने कॉटन को पिक कर लिया है पूरा और जो है कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद वो उसको बेचने के लिए कुरनूल की कॉटन मार्केट में नहीं जाती है, ठीक है, वो क्या करती है अपने हस्बैंड के साथ में वो लोकल ट्रेडर के पास जाती है, ठीक है, उसको बेचने के लिए। अब वो वहाँ पर क्यों गई, उसका यहाँ पर रीज़न भी बता रखा है कि क्या हुआ, जब क्रॉपिंग सीजन की शुरुआत हो रही थी तो स्वप्ना ने क्या किया था कि स्वप्ना ने उस ट्रेडर से 2,500 रुपये लिए थे उधार, ठीक है, और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे। आपको पता ही है कि जो मर्चेंट लोग होते हैं, ठीक है, मर्चेंट ट्रेडर जो होते हैं, ये अमीर मतलब कि ये क्या करते हैं, ये गरीब लोगों को इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते हैं कि जो गरीब आदमी है वो इनके ना एहसान के तले दब जाता है, मतलब कि वो पे ही नहीं कर पाता, तो डेट के तले दब जाता है, ठीक है, एहसान नहीं बोलूँगा मैं उसको, डेट बोलूँगा, ठीक है, वो डेट जो है ना, ठीक है, मतलब कि कर्जा जो है उसके नीचे ना वो दबता रहता है, दबता रहता है, दबता रहता है, ठीक है। फिर या तो उसे आखिरी में कुछ ना कुछ चीज़ बेचनी पड़ती है, ठीक है, या फिर जो है साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। तो कहने का मतलब ये कि जो मर्चेंट होते हैं ना, अमीर मर्चेंट ट्रेडर जो होते हैं, ये हाई इंटरेस्ट रेट पे गरीब लोगों को जो है उधार देते हैं। तो ये जो पैसे स्वप्ना ने लिए थे इस ट्रेडर से, वो क्यों लिए थे, वो इसलिए लिए थे क्योंकि उसे बीज खरीदने थे, कॉटन सीड खरीदना था, ठीक है, उसे फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड खरीदने थे अपनी क्रॉप के लिए, अपनी कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी कोई क्रॉप उगाई जाती है तो उसके लिए बीज की ज़रूरत तो होगी ना, अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी के बीज जो हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो हैं, वही जो है ज़्यादा प्रोडक्शन में मतलब कि आपकी मदद कर पाएंगे। अगर क्वालिटी ही नहीं है सीड्स की, यानी जो बीज हैं वो लो क्वालिटी के हैं, तो आप यूँ समझ सकते हो कि जो प्रोडक्शन होगी यानी जो एंड रिज़ल्ट होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, समझ रहे हो, मतलब कि जो आउटपुट मिलेगी आपको वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब कि सीड की जो क्वालिटी है वो मैटर करती है, बीज की क्वालिटी जो होती है, ठीक है, सीड को बीज बोलते हैं हिंदी में, तो बीज की जो क्वालिटी होती है वो मैटर करती है, ठीक है। उसके साथ में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बीमारी ना लग जाए क्रॉप को बीच में, तो उसके लिए पेस्टिसाइड छिड़कने पड़ते हैं आपको, ठीक है। फर्टिलाइज़र इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो है क्रॉप अच्छे से मैच्योर हो पाए, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि सीड फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड आर मस्ट, ठीक है, फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ आउटपुट, ठीक है। अगर आपको अच्छी आउटपुट चाहिए, अगर आपको जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो मतलब कहने का ये कि आपको खर्चा करना पड़ेगा, और खर्चा करने के लिए गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो उधार लेता है, और उधार जो मिलती है वो हाई, वेरी हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलती है, ठीक है। मतलब उसको पे करने के लिए जो है या तो आपको और उधार लेनी पड़ेगी, या फिर जो आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। तो यही चीज़ होती है गरीब आदमी के साथ ज़्यादातर, ठीक है। तो एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन, कि वो जो है मतलब उसी को बेचेगी अपनी पूरी क्रॉप, ठीक है। ये कंडीशन उसने बोली थी उस फार्मर, मतलब उस ट्रेडर ने, कि भाई मैं तुम्हें उधार तो दे दूंगा, ठीक है, और वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, ये भी नहीं कि वो कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है। उसके साथ में एक और कंडीशन लगा दी कि तुम जो कपास बेचोगी, ये कॉटन बेचोगी, ये तुम मुझे ही बेचोगी, ठीक है, तुम और किसी को नहीं बेचोगी, लोकल मार्केट में नहीं बेचोगी। तो ऐसे जो है इस ट्रेडर ने स्वप्ना को मतलब कि एक अपने जाल में जकड़ लिया है, ठीक है। एक गरीब आदमी को जो है ये ना मतलब कि एक ट्रैप में फंसा लेते हैं ऐसे ही जो अमीर ट्रेडर और मर्चेंट होते हैं। अब देखो कॉटन की जो कल्टीवेशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वहाँ पे इनपुट की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो अच्छे लेवल के मतलब हाई क्वालिटी के इनपुट होने चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और उसके लिए काफ़ी खर्चा होता है, ठीक है। इसीलिए जो है मतलब कि छोटे फार्मर को हमेशा ही पैसे बोरो करने पड़ते ही हैं, ठीक है।
मतलब कि कोई ही ऐसा मतलब कि फार्मर होगा, छोटा फार्मर, जो बोरो नहीं करता होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रेडर की यार्ड पर जब ये बेचने गई अपने कॉटन को, तो क्या हुआ, जो ट्रेडर था, जो बड़ा ट्रेडर था, अमीर ट्रेडर, इसके कुछ आदमी लगा रखे थे इसने काम करने वाले, तो उन्होंने जब मेजर किया बैग को, जो है वेट किया कॉटन के बैग को, यानी तोला उसको, तो क्या हुआ कि जो रेट मतलब कि फिक्स हुआ वो फिक्स था, मतलब फिक्स हुआ वो 1500 पर क्विंटल। कहने का मतलब ये है कि उस ट्रेडर ने बोला कि भाई मैं जो है ना तुम्हें 1500 रुपये दूंगा एक क्विंटल इस बैग की, यानी एक क्विंटल जितनी कॉटन जो है ये, ठीक है, इसके मैं तुम्हें 1500 दे रहा हूँ, समझ रहे हो। अब ऐसी जो है 4 क्विंटल कॉटन थी, एक क्विंटल जो होता है मतलब कि 100 किलो होता है, ठीक है, 100 किलोग्राम का एक क्विंटल बनता है, तो मतलब कि ऐसे 400 किलो कॉटन होगी, ठीक है, और उस 400 किलो कॉटन का मतलब कि स्वप्ना को 6000 रुपये यहाँ पे मिले हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे बता रखा है कि 6000 रुपये जो है स्वप्ना को मतलब कि बनते हैं, मिले नहीं है, बनते हैं 6000 रुपये, लेकिन 6000 में से उसे कितने मिले, उसे मिले सिर्फ 3000, क्योंकि 3000 जो है वो उस ट्रेडर ने लोन के उस पे जो है मतलब कि लोन की रीपेमेंट के लिए और इंटरेस्ट जो है काट लिया, समझ रहे हो। मतलब मिला कितना स्वप्ना को आखिरी में, वो सिर्फ मिला 3000, कितने कॉटन के, 400 किलोग्राम कॉटन की, मतलब कि 4 क्विंटल कॉटन के जो है उसको सिर्फ मिले हैं 3000 रुपये। तो आप देख सकते हो कि कितने बड़े घाटे में एक गरीब आदमी चले जाता है जब जो है वो ऐसे एक ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। इन जो बड़े ट्रेडर मर्चेंट होते हैं, इनके ट्रैप में फंसते मतलब कि उसमें ना अंदर सर्कल के अंदर चलता रहता है, ठीक है, उससे बाहर कभी निकल ही नहीं पाता वो, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। ऑल दो मतलब कि चलो यहाँ पर अब दोबारा इसने स्वप्ना ने वो नहीं करा, दोबारा जो है लोन नहीं लिया, लेकिन फ़ायदा तो चलो घट गया ना, मतलब कि जो प्रॉफिट है वो तो कम हो गया ना, समझ रहे हो। 3000 मिले हैं सिर्फ, 6000 बनते थे लेकिन मिले सिर्फ 3000 हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो ये टैक्टिक्स होती है ना, इससे मतलब कि बच के रहना चाहिए। जो ये ट्रेडर मर्चेंट्स की जो टैक्टिक्स होती है, ये बहुत मतलब कि कई बार जो है आपको घाटे में लेके जा सकती हैं, भारी घाटे में। तो स्वप्ना जो है उसने बोला कि सिर्फ 3000, तो ट्रेडर क्या बोलता है कि कॉटन जो है वो बहुत सस्ती बिक रही है अभी, जो है मतलब कहने का ये मतलब है उसका कि मैं जो तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना वो तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जो कॉटन मार्केट में बिक रही है ना उसका तो बहुत कम दाम मिल रहा है, समझ रहे हो। मतलब ये कह रहा है कि जो 6000 रुपये ये तो बहुत ज़्यादा दे दिए मैंने तुम्हें, ये कह रहा है वो ट्रेडर। तो स्वप्ना कहती है कि भाई मैंने जो है 4 महीने तक इतना काम किया है, मेहनत करी है, ठीक है, और कॉटन जो है इतनी साफ है इस बार, बहुत फाइन और क्लीन है, ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि इसका जो है मुझे और ज़्यादा अच्छा प्राइस मिलेगा। तो ट्रेडर ने क्या बोला, अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, मतलब कि मैं तुम्हें एक अच्छा प्राइस दे रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेडर जो हैं वो तो इतना भी नहीं दे रहे, आप अगर चाहती हो तो कुनूर मार्केट जो है लोकल मार्केट वहाँ पे जाके चेक कर लो अगर आपको भरोसा नहीं है। तो स्वप्ना क्या बोलती कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत हो, ठीक है, मैं आपको कैसे डाउट कर सकती हूँ, आप जो है सही बोल रहे होगे, ठीक है, आप तो मतलब कि जो ना सत्यवादी आदमी हो, ठीक है, आप तो मतलब कि सच ही बोलोगे। तो स्वप्ना ने जो है ना बेसिकली ये एक रीज़न से कहा है, ठीक है, स्वप्ना जो है काफ़ी हताश हो गई, आई हैड ओनली होप दैट वी वुड अर्न एनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ्स। मतलब कहने का ये कि स्वप्ना ने ना हताशा में ही बोला है, ऑफकोर्स कि जो है हमें लगा था कि इस बार जो है हम काफ़ी ज़्यादा जो है पिछली बार से अर्न कर पाएंगे, यानी पिछली बार के कंपेरिजन में इस बार जो है हमें ज़्यादा पैसे मिल पाएंगे और उसकी मदद से हम कुछ महीनों तक जो है अपना गुजारा आराम से निकाल लेंगे, मतलब अपना गुजारा चला लेंगे। तो स्वप्ना जो है बेसिकली ये हताश होकर ही बोला है, ऑफ कोर्स दो स्वप्ना नोज दैट कॉटन विल सेल एट सेल फॉर एटलीस्ट 1800 रुपये पर क्विंटल। मतलब स्वप्ना को पता है ये बात कि एटलीस्ट जो है 1800 रुपये पर क्विंटल के भाव से कॉटन बिकेगी अगर वो इसे लोकल मार्केट में लेके जाती, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है उसने आर्ग्यू नहीं करा, ठीक है। वो आर्ग्यू क्यों नहीं करा उसने, क्योंकि उसे पता है कि जो ट्रेडर है ये बहुत पावरफुल आदमी है इस गांव का, ठीक है, मतलब कि इस पास बहुत पैसा है, ठीक है, और जो फार्मर हैं उसे मतलब जो गरीब फार्मर हैं इस गांव के, उन्हें ज़्यादातर जो है डिपेंड होना पड़ता है लोन्स के लिए, ठीक है, इस ट्रेडर के ऊपर, समझ रहे हो। अब लोन जो है अलग अलग पर्पसेस के लिए, कभी बच्चों की फ़ीस हो गई, ठीक है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, कभी कोई बीमारी आ गई, तो उसके लिए जो है इन्हें लोन लेना पड़ता है, और लोन जो है वो इस ट्रेडर से ही मिलता है क्योंकि यही है एक अमीर आदमी, पावरफुल आदमी गाँव में। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए जो है, ठीक है, वो उसने आर्ग्यू नहीं करा इस ट्रेडर के साथ में, क्योंकि
उधार लेना, ठीक है, बोरोइंग मनी इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, मतलब इन गरीब लोगों के लिए एकमात्र एक ऐसा साधन है जीने का, ठीक है, जिसके बिना इनका गुजारा नहीं चल पाता, ठीक है, कोई जो मतलब कि अगर ये बोरो नहीं करेंगे, पैसे उधार नहीं लेंगे, तो मतलब कि ये जी नहीं पाएंगे, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो स्वप्ना ने इसीलिए आर्ग्यू नहीं करा आगे, और स्वप्ना ने जो है बेसिकली जो पैसे उसने दिए वो ले लिए स्वप्ना ने, ठीक है। तो जो ये कंडीशन है, ठीक है, स्वप्ना की जो अर्निंग है कॉटन कल्टीवेशन से, वो मतलब कि थोड़ी बहुत ही ज़्यादा है, किससे, अगर वो एक वेज लेबरर होती, मतलब यानी कि अगर वो किसी के खेत खलिहान में काम करती या कपास वगैरह चुगती, ठीक है, मतलब कि जो कॉटन है उसको पिक करती किसी और के फार्म में, ठीक है, एज अ लेबरर, तो मतलब कि उसकी जब वो जो वो इन जो इनकम उस टाइम पर होती ना, ठीक है, एज अ वेज लेबरर, वो थोड़ी बहुत ही कम होती इतने से, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब ये, ठीक है, मतलब अपना एक तो कॉटन को ग्रो करना और उसे बेचना, ठीक है, कंपेयर टू दूसरे के फार्म पे जो है मतलब एज अ लेबरर काम करना इज लाइक ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पे, समझ रहे हो। तो मतलब कि कितने घाटे में जो है इसने स्वप्ना ने अपना कॉटन को बेचा है इस ट्रेडर को, ठीक है, मतलब इस ट्रेडर ने जो है कैसे यूज़ किया है, ठीक है, इन गरीब आदमियों को। तो ऐसे ही होता है, मतलब ज़्यादातर जो है आपको बहुत बार ये चीज़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, द क्लोथ मार्केट ऑफ ईरोड, ठीक है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ईरोड बोलते हैं इसको शायद, ठीक है, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि भाई सही से इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ईरोड की जो बाई वीकली मार्केट है, क्लोथ मार्केट, ठीक है, बाई वीकली का मतलब क्या है कि एक हफ्ते में वो दो बार लगती है, तो ईरोड जो है वो तमिलनाडु में एक जगह है, तो इसकी जो क्लोथ मार्केट है जो एक हफ्ते में दो बार लगती है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट है पूरी दुनिया में, ठीक है, मतलब कि इतनी बड़ी मार्केट है वो, वहाँ पे जो है बहुत सारी अलग अलग प्रकार के क्लोथ बेचे जाते हैं, बहुत वैरायटी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जो क्लोथ वीवर बनाते हैं, ठीक है, विलेजेस में यानी अपने गांव में जो है वो बनाते हैं उस क्लोथ को अपने हैंडलूम पे या उनके पावर लूम पे, वो यहाँ पर जो है इसको बेचने के लिए लेके आते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे मार्केट के अराउंड आप देखोगे कि ऑफिसेज आपको मिलेंगे किसके, क्लोथ मर्चेंट के, अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं रहते तो भी थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ, कि जो मार्केट है इसके आसपास में, समझ रहे हो, मार्केट में तो यहाँ पे वीवर्स आते हैं, वीवर मतलब कि जो इस कपड़े को बनाते हैं, जो ये कपड़ा यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है, ये कपड़ा कहीं पे बनता है, समझ रहे हो, कोई इसको बनाता है, किससे बनाता है, धागे से बनाता है, धागे से, यार्न, ठीक है, थ्रेड या यार्न बोल लो आप उसको, एक ही बात है, तो मतलब कि उस थ्रेड से जो है ये क्लोथ बनता है, तो कोई उसको बनाता है, ठीक है, इस क्लोथ को जो है फिर यहाँ पे बेचा जाता है, ठीक है, इस मार्केट में। तो ये जो मार्केट है ईरोड की, जो ये मार्केट है क्लोथ मार्केट, यहाँ पे वीवर्स आते हैं आसपास के गांवों से उस कपड़े को लेके बेचने के लिए यहाँ पे, ठीक है। और इस मार्केट के अराउंड जो है आपको ऑफिस मिलेंगे क्लोथ मर्चेंट की, यानी जो क्लोथ मर्चेंट मतलब कि जो ट्रेडर, ठीक है, मर्चेंट ट्रेडर, ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश करो कि जो ये बेचते हैं, ठीक है, बीच के जो मार्केट्स होती है ना, इसमें जो मतलब कि आपस में लेनी देनी करते हैं, जो मतलब खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है, तो मर्चेंट बोलो ट्रेडर बोलो एक ही बात है, ठीक है, मतलब कि एक ही व्यक्ति को जो है मतलब कि रेफर करा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना कि मर्चेंट अलग होता है या ट्रेडर अलग होता है, एक ही होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो मार्केट है यहाँ पे इसके चारों तरफ, मतलब कि इसके आसपास में आपको ऑफिसेज दिखेंगे क्लोथिंग मर्चेंट्स के, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो यहाँ से जो है क्लोथ को खरीदते हैं, ठीक है, और इसको जो है आगे बेचते हैं, मतलब कि आगे जो गारमेंट फैक्ट्रीज होती हैं या फिर जो आगे जो शॉप्स होती हैं, मतलब कि जो गारमेंट शॉप्स होती हैं उनका जो ऑर्डर होता है, ठीक है, उसी ऑर्डर पे बेसिकली ये वीवर्स को कहते हैं कि भाई तुम जो हो इतना क्लोथ बनाओ, उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं अभी, ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, ज़्यादा स्किप नहीं करते अभी। तो इस मार्केट के अराउंड जो है ऑफिसेज मिलेंगे आपको क्लोथिंग मर्चेंट्स के, जो ये क्लोथ को खरीदते हैं, ठीक है, किससे खरीदते हैं, वीवर से खरीदते हैं, जो वीवर कहाँ से आ रहे हैं, गाँव से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है बता रखा है, ठीक है। अब और भी जो है ट्रेडर्स आते हैं यहाँ पे साउथ इंडिया से, ठीक है, साउथ इंडिया की कोई छोटी छोटी सिटीज़ जो है वहाँ से भी और ट्रेडर्स आते हैं यहाँ पे और जो है क्लोथ को परचेज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो ट्रेडर्स और मर्चेंट जो हैं यहाँ पे, ठीक है, वो क्लोथ को परचेज़ करते हैं, किससे करते हैं, वीवर्स से करते हैं, ठीक है। वीवर मतलब कि जो ये गाँव के जो लोग होते हैं, जो ये हैंडलूम अपने पावर लूम हैंडलूम पे इस क्लोथ को बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्लोथ दिख रहा है आपको, ये कपड़ा, ठीक है, ऐसे। तो मार्केट डेज जो है मतलब कि जिस दिन पर मार्केट लगती है उस दिन पर आपको जो है वीवर्स मिलेंगे क्लोथ लेके आते हुए अपने गांव से, अपने घर से,
ठीक है, जो उन्होंने बनाया है, किस पर ऑर्डर पर बनाया है, किसके लिए, एक मर्चेंट के लिए। ठीक है, मैं जो बात बता रहा था अभी आपको, अब मैं बताता हूँ आपको कि जो ये मर्चेंट होती है ये क्या करते हैं। ये मर्चेंट जो होती हैं, इस क्लोथ को जो ये खरीदते हैं, वीवर से खरीदते हैं जो ये क्लोथ, इसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है, सप्लाई करते हैं ऑर्डर के ऊपर, मतलब कि पहले से इनको ऑर्डर मिल रखा होता है और उसी ऑर्डर के बेस पर ये वीवर को कहते हैं कि भाई इतना मैं तुमको धागा दे रहा हूँ खरीद के, तो इस धागे से तुम्हें इतना कपड़ा बनाना है, ऐसा बनाना है। ठीक है, तो ये जो है वीवर को मतलब कि एक ऑर्डर देते हैं। वो ऑर्डर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें खुद ऑर्डर मिल रखा है पीछे से। ठीक है, मतलब कि गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो है, जो शर्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, मतलब और जो एक्सपोर्ट करते हैं इन शर्टों को, तो उनसे बेसिकली क्या है कि इन्हें ऑर्डर मिल रखा है कि भाई हमें जो है इतना इतना कपड़ा चाहिए, ठीक है, शर्ट बनाने के लिए, उस शर्ट को हम अपनी फैक्ट्री में बनाएंगे। तो ये मर्चेंट लोग कहते हैं ठीक है जी, मैं, आप चिंता मत करो, मैं जो है आपको इतना कपड़ा बेसिकली बनवा के दे दूंगा, समझ रहे हो। तो मतलब कि ऑर्डर इन्होंने ले लिया, मर्चेंट लोगों ने गारमेंट मैन्युफैक्चरर से, गारमेंट फैक्ट्री से ऑर्डर ले लिया, ठीक है, और उस ऑर्डर को जो है प्लेस कर दिया वीवर पे कि भाई जो है तुम्हें इतना इतना कपड़ा बनाना है, मैं तुम्हें इतने इतने पैसे दूंगा, और जो है धागा मैं तुम्हें खुद खरीद के दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें कपड़ा बनाना है अपने पावर लूम पे या अपने हैंड लूम पे, समझ रहे हो। तो जो ये मतलब कि क्या होता है, ये जो मर्चेंट होती है ये सप्लाई करते हैं क्लोथ को गारमेंट मैन्युफैक्चरर यानी गारमेंट फैक्ट्रीज को, जहाँ पे शर्ट बनती है, उस कपड़े से शर्ट बनती है। ये कपड़ा जो है ना, अब तुम्हें क्या पता कि इससे कोई कुर्ता पजामा बन रहा हो, ठीक है, ये जो कपड़ा है मतलब इससे तुम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो। तो मतलब ये कपड़ा जो है इसी से क्लोथ बनता है, कहाँ पे, फैक्ट्रीज के अंदर, टेलर बनाता है उसको, ठीक है, कपड़ा काट कूट के जो है बटन वगैरह लगाता है उस पर, सारा कुछ जो है वो फैक्ट्री में होता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली क्या करते हैं, मतलब कि जो वीवर्स होते हैं, ठीक है, इनको यार्न दे दिया जाता है, ठीक है, और उनको बता दिया जाता है कि भाई तुम्हें जो है कैसा, किस प्रकार का क्लोथ बनाना है, ठीक है, और कौन बताता है इनको, मर्चेंट बताता है, ठीक है, और मर्चेंट इस क्लोथ को किसको बेचेगा, वो जो है गारमेंट फैक्ट्री को बेचेगा, जहाँ से उसको पहले ऑर्डर मिल रखा है, ठीक, गारमेंट फैक्ट्री ने बता दिया कि भाई हमें इतना कपड़ा चाहिए, ठीक है, तुमसे, तो तुम दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, मर्चेंट बोलेगा ठीक है जी मैं दे दूंगा आपको, चिंता मत करो। मर्चेंट के कनेक्शन होते हैं वीवर से, जो गाँव में रहते हैं ये लोग, गरीब लोग, उनको बोलेगा कि भाई इतना कपड़ा तुम्हें बनाना है, ठीक है, ये मैंने तुम्हें दे दिया धागा खरीद के, ठीक है, और मैं तुम्हें ना मतलब कि इतने पैसे दूंगा, समझ रहे हो। तो ऐसी जो है बेसिकली चेन चलती है, ठीक है, ऊपर यहां पे जैसे मैं लिख देता हूं गारमेंट फैक्ट्री, ठीक है, इसके नीचे आपको मिलेगा मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट एंड ट्रेडर, मान लो मर्चेंट एंड ट्रेडर, ठीक है, और इसके नीचे आपको मिलेगा वीवर, ठीक है, वीवर, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली जो है एक चेन है, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो अब जो है ये यहाँ पर पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल दे रखा है, इसका अच्छा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि कैसी जो है ये प्रोसेस होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये है बेसिकली एक मर्चेंट की शॉप, ठीक है, जो मतलब कि आज जिसके बारे में हमने अभी बात करी है कि जो मार्केट के आसपास में जो दुकान मतलब कि इनका ऑफिस होते हैं, ठीक है, तो ये मर्चेंट का बेसिकली ऑफिस मान लो, आप एक ऑफिस मान लो, दुकान मान लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मर्चेंट का बेसिकली ये एक शॉप है, ठीक है, दिस इज द मर्चेंट शॉप इन द बाजार, समझ लो। अब ओवर द ईयर्स क्या होता है, ओवर द ईयर्स क्या हुआ है कि जो ये ट्रेडर्स होते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट बना रखे हैं किसके साथ में, गारमेंट फर्म्स के साथ में, कंट्री में। गारमेंट फर्म मतलब कि क्या, जो गारमेंट की कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, जो कपड़ा बन मतलब कि जो शर्ट वगैरह बनाती हैं, जो फैक्ट्रीज लगाती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जिनकी, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनकी अपनी खुद की फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर ये क्लोथ मतलब कि बनाती हैं यानी टेलर करती हैं, ठीक है, टेलर होते हैं इनके, प्रॉपर टेलर बना मतलब कि रख रखे हैं वहाँ पे, ठीक है, बटन वगैरह लगाना, पूरा कपड़े काट कूट के शर्ट बनाना, कुर्ता पजामा बनाना, जो भी है, पेंट वेंट बनाना, सब कुछ। तो इनकी खुद की अपनी फैक्ट्रीज होती है, ठीक है, गारमेंट फर्म जो होती हैं, गारमेंट कंपनियां जो होती हैं, इनकी खुद की फैक्ट्रीज होती हैं। तो इनके साथ में जो है इन ट्रेडर्स मर्चेंट्स ने क्या कर रखा है, ओवर द ईयर्स इन्होंने अच्छे कॉन्टैक्ट बना लिए, ठीक है, जिनसे इन्हें जो है ऑर्डर मिलता है, मतलब ये कंपनियां जो है ऑर्डर करती रहेंगी क्योंकि इन्हें जो है बेचनी है चीज़, समझ रही हो। और ऐसे जो है प्रोसेस चलती रहती है, वो साइकिल चलती रहती है, ये ऑर्डर करती रहती हैं, मर्चेंट ट्रेडर जो है वो ऑर्डर देते रहते हैं वीवर्स को, तो ऐसे जो है प्रोसेस चलती रहती है। तो जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, ये ट्रेडर इन्होंने अच्छे कॉन्टैक्ट बना रखे हैं गारमेंट फर्म्स के साथ में, गारमेंट कंपनियों के साथ में, और इन ट्रेडर्स को जो है बेसिकली क्या होता है कि यार्न खरीदना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये जो यार्न देते हैं यानी थ्रेड जो देते हैं ये, ठीक है, वीवर्स को, ये खुद खरीद के देते हैं, समझ रहे हो। तो जो थ्रेड होता है बेसिकली ये ट्रेडर खुद खरीदते हैं, ठीक है, खुद खरीदते हैं और फिर उसको जो है
वीवर को दे देते हैं कि भाई इस थ्रेड से तुम्हें कपड़ा बनाना है। अब वीवर जैसे कि ये जो है, ये यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बेसिकली वीवर्स हैं, गरीब आदमी हैं, ठीक है, तो ये विलेजेस में रहते हैं और क्या करते हैं, ये जो थ्रेड होता है जो ट्रेडर इनको देता है उसको ये अपने घर पे लेके जाते हैं जहाँ पर इनके लूम्स होते हैं, ठीक है। लूम्स मतलब कि ये जो जैसे कि मशीन्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे कपड़ा बनता है, ठीक है, ये कपड़ा जो है यहाँ पे बन रहा है, तो ये बेसिकली लूम्स होती हैं, ठीक है, मशीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो ये क्या होता है कि ये शेड्स में लगी होती हैं, इनके घर के आसपास इन्होंने जो है लगा रखी होती हैं, सेट कर रखी होती हैं, ठीक है। अब ये जो पावर लूम है, ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये पावर लूम है, ठीक है, जो बिजली से चलती है, समझ रहे हो, पावर लूम मतलब कि जो पावर से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वीवर होते हैं ये अपनी फैमिलीज के साथ में लंबे लंबे घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे जो है इन लूम्स पे बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो वीविंग यूनिट हैं मतलब उसमें 2 से लेके 8 तक जो है पावर लूम आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, मतलब एक यूनिट मान लो जिस जहाँ पे कई सारी पावर लूम्स लगा रखी हैं, ठीक है, एक साथ में मतलब कि जो है कई सारी पावर लूम्स एक कमरे के अंदर मान लो या मतलब कि एक बिल्डिंग के अंदर मान लो, तो 2 से लेके 8 तक आपको जो है बेसिकली एक वीविंग यूनिट के अंदर पावर लूम्स मिलेंगी, ठीक है, जहाँ पे यार्न जो है वो क्लोथ में बनाया जा रहा है, मतलब कि जो थ्रेड बोल लो यार्न बोल लो उसको, वो जो है क्लोथ में बनाया जा रहा है। अब अलग अलग चीज़ें मतलब कि अलग अलग प्रकार के क्लोथ बनाने के ऑर्डर मिलते हैं, कोई साड़ी का कपड़ा है, कोई टावल का कपड़ा है, ठीक है, कोई शर्ट का कपड़ा है, ठीक है, बेडशीट का कपड़ा हो गया, तो अलग अलग प्रकार के जो मतलब वैरायटी ऑफ क्लोथ बनाने के लिए ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे इस लूम पे बनाए जाते हैं वो क्लोथ, ठीक है, जिनके ऑर्डर मिलते हैं इनको। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, अब ये लोग जो है यहाँ पे picture 3 के अंदर जो है यहाँ पे, ठीक है, picture 3 के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब ये इस कपड़े को जो इन्होंने बना लिया है इसको अब ट्रेडर के पास लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडी बैठे हैं ये बेसिकली तैयार हैं, पूरा कपड़ा बन चुका है इनके हाथ में, ये जो ना यहाँ पे कपड़ा बन चुका है, ठीक है, तय वह कर दिया इन्होंने पूरी उस कपड़े की, प्रेस कर दिया उसको, ठीक है। अब जो है इसको मर्चेंट के पास लेके जाने वाले हैं टाउन में, और मर्चेंट क्या करता है, एक रिकॉर्ड मतलब कि अकाउंट मतलब रखता है कि मैंने कितना धागा जो है इनको दिया था, ठीक है, और इनको फिर जो है वो पैसे देता है, क्या किस चीज़ के पैसे देता है, धागे के पैसे नहीं देता, क्योंकि धागा तो उसका खुद का ही है, ठीक है, धागा तो उसने खुद खरीद के दिया है वीवर को, समझ रहे हो, वो पैसे इस चीज़ के देता है कि आपने जो काम किया है ना, मतलब कि वीव करने का जो काम है ना उसके पैसे देता है वो, ठीक है, इन वीवर्स को, समझ रहे हो, तो मतलब ही पेज द मनी फॉर वीविंग दिस इन टू क्लोथ, समझ रहे हो, मतलब कि धागे के पैसे नहीं है, वो वीविंग करने के पैसे हैं बस। तो ये जो सिस्टम होता है ना, जो ये पहले प्री ऑर्डर करने का जो सिस्टम होता है ये, कि पहले जो है मतलब कि ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर दे दिया वीवर्स को, ठीक है, और खुद जो है ऑर्डर कहाँ से, पीछे से आ रहा है फैक्ट्री से, तो ये जो पहले ऑर्डर करने का जो सिस्टम है ना बेसिकली, कि ऑर्डर पे बनती है चीज़ें, समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है, ये जो ऑर्डर वाला सिस्टम होता है इसको बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि कैसे जो है पहले मतलब ऑर्डर दिया जाता है वीवर्स को, वीवर को धागा दिया जाता है और फिर जो है उस कपड़े को वो लेके आते हैं मर्चेंट के पास, और मर्चेंट बेच देता है उनको फैक्ट्रीज को, ठीक है, फैक्ट्रीज उस कपड़े से बनाती हैं क्लोथ, यानी शर्ट वगैरह, पैंट, जीन्स वगैरह, और वो जो जीन्स है बेसिकली फिर आपको बेची जाती है, ठीक है, उस कंपनी के द्वारा। तो इस जो ये जो सिस्टम होता है ना, पहले ऑर्डर देने वाला सिस्टम, ठीक है, पहले ऑर्डर दे के रखो, ठीक है, कपड़ा बनवाने के लिए, तो इसको बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम, ठीक है, अपने घर पे क्लोथ बना रहे हैं वो एक ऑर्डर पर, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं छोटी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मर्चेंट जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इस वर्क को अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ही हैज रिसीव्ड फॉर क्लोथ, मतलब जिस बेस पे जो है उसको क्लोथ ऑर्डर मिला है कि भाई कितना जो है क्लोथ बनाना है, उसी बेस पे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्क को, ठीक है, कि भाई तुम जो है इतना कपड़ा बनाओगे, तुम जो है ये कपड़ा बना लो, ठीक है, तुम ये कपड़ा बनाओ, समझ लो। तो ऐसे जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है वो, कि मतलब एक वीवर पे ही पूरा लोड ना आए, उसके कॉन्टैक्ट होते हैं बहुत सारे वीवर्स के साथ में, तो उनमें जो है वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैज रिसीव्ड फॉर क्लोथ, समझ रहे हो। तो अगर कम ऑर्डर आए हैं तो एक ही बंदे को दे देगा, ठीक है, ज़्यादा ऑर्डर आए हैं तो मतलब कि और व्यक्तियों को भी, जो और वीवर्स हैं उनको भी दे देगा थोड़े थोड़े जो है ना ऐसे करके। तो वीवर्स गेट यार्न फ्रॉम द मर्चेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मर्चेंट जो है वही धागा देता है वीवर्स को, और सप्लाई जो करता है, ठीक है, क्लोथ जो द वीवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लोथ, सप्लाई वही मतलब कि जो मर्चेंट को क्लोथ जो मिलता है वो वीवर्स देते हैं, ठीक है, पूरा क्लोथ बना के देते हैं वो उस धागे से, ठीक है, अपने पावर लूम या हैंड लूम जो भी है उनके पास में उसके द्वारा, ठीक है, ज़्यादातर अब तो पावर लूम ही चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो यही बात है कि मतलब धागा उनको मिल गया है मर्चेंट से, जिसके बेस पे उन्होंने मतलब कि जो कन्वर्ट करके उन्होंने क्लोथ बना दिया, कपड़ा बना दिया, और जो है वापस मर्चेंट को देने के लिए वो शहर में आ गए।
ठीक है। फॉर द व्यूअर्स दिस अरेंजमेंट सीमली हैज टू एडवांटेज। अब ये जो सिस्टम है बेसिकली दो एडवांटेजेस देता है व्यूअर्स को, और वो एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि जो व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा पैसा खर्चना नहीं पड़ता यार्न खरीदने के लिए, ठीक है। धागे खरीदने के लिए उनको टेंशन नहीं लेनी कि भाई धागा कहाँ से लाएंगे, कौन सी क्वालिटी का लाएंगे, ठीक है, कितने रुपए लगेंगे उसके लिए, कितना पैसा लगेगा, तो इस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेनी मतलब व्यूअर को, ठीक है। धागा मिलेगा भाई, उस धागे को ही बनाना है कपड़ा, समझ रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं है धागे की बेसिकली कहाँ से खरीदना है, कितने पैसे में खरीदना है, कितना खरीदना है। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी जो एडवांटेज ये है कि उनको जो है बेचने वाली, ठीक है, कि जो कपड़ा बना दिया अब उसको बेचेंगे कैसे भाई, बेचें किसको बेचें, ठीक है, तो बेचने की जो टेंशन है कहाँ बेचें, किसको बेचें, कितने का बेचें, तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उनको जो है क्या करना है, सीधा उस चीज़ को मर्चेंट के पास लेके जाना है कि लो भाई साहब आपने हमें दिया था ऑर्डर, ठीक है, हमारे पैसे दे दो हमें, ठीक है, हमारी जो बनता है हमारा पूरी इसकी जो तनख्वाह बनती है, और आप जो है ये कपड़ा आपने जिसका ऑर्डर दिया था हमें वो आप ले लो अब, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि वो मर्चेंट जहाँ से ऑर्डर मिला है वही उस कपड़े को ले लेता है, तो बेचने की टेंशन नहीं होती कि कहाँ लोकल मार्केट में बेचेंगे, कितने का बेचेंगे, तो ये टेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो वीवर को जो है पता होता है, ठीक है, कि मतलब किस प्रकार का क्लोथ बनाना है और जो है कितना मतलब कि कितना कपड़ा उसमें मतलब कि कितना धागा उसमें लगेगा, ठीक है, मतलब कि कितने धागे को यूज़ करना है इतने कपड़े को बनाने के लिए, तो उनको बेसिकली आइडिया होता है, मतलब कि यार रोज़ का काम है उनका तो उनको पता ही होती है ये बात, ठीक है। लेकिन ये जो डिपेंडेंस है, ठीक है, मर्चेंट के ऊपर कि रॉ मटेरियल जो मतलब कि धागे की डिपेंडेंस और उसके बाद में मार्केट यानी बेचने की डिपेंडेंस कि किसको बेचना, तो ये बेसिकली जो डिपेंडेंस है ना कि भाई दोनों चीज़ की टेंशन नहीं लेनी हमें, ठीक है। ये जो फ़ायदा एडवांटेज की हमने जो अभी बात करी है ये बेसिकली जो है ना कई बार थोड़ी सी एक डिसएडवांटेज में भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब कहने का ये कि मर्चेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाती है, ठीक है, मतलब ना काइंड ऑफ की एक एडवांटेज भी है लेकिन वो एक डिसएडवांटेज भी आप उसको थोड़ा सा कह सकते हो दूसरी साइड से ना, मतलब कि डबल एज स्वॉर्ड है, ठीक है, डबल एज स्वॉर्ड। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ से जो है आपको फ़ायदा दिख रहा है लेकिन दूसरी तरफ से आप अगर देखोगे तो आपकी डिपेंडेंस भी तो हो रही है, आप जो मतलब कि आपकी आप निर्भर भी तो हो उस मर्चेंट के ऊपर। अगर वो मर्चेंट नहीं खरीदेगा आपसे कपड़ा या अगर जो मर्चेंट है आपको रॉ मटेरियल नहीं देगा, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं, आपकी कॉन्टैक्ट ही नहीं है कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदना है, क्या क्वालिटी होती है, कितने का मतलब मिलता है यार्न वगैरह, समझ रहे हो, कितना लेके आना है, कितना यूज़ कर, मतलब कि समझ रहे हो, आपको ना कोई आइडिया नहीं है रॉ मटेरियल का, ठीक है, आपको ना ही मार्केट का कोई आइडिया है क्योंकि आप जो है बेचते नहीं हो, मर्चेंट बेचता है, उसको आइडिया है, उसके कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, गारमेंट फैक्ट्रीज वगैरह से, तो आपके कॉन्टैक्ट है ही नहीं तो कहाँ बेचोगे भाई आप, और अगर बेच भी लोगे तो कितना बेचोगे, ठीक है, उसमें नुकसान होएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपके इतने वो नहीं है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है आपके। तो कहने का मतलब ये है कि मर्चेंट को काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जो ऑर्डर देते हैं और व्हाट इज़ टू बी मेड एंड दे पे अ वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लोथ। मतलब कहने का ये कि वो ऑर्डर तो दे देते हैं, ठीक है, कि भाई क्या बनाना है, लेकिन उसके लिए वो काफ़ी कम जो है दाम देते हैं, ठीक है, वीवर्स को, और वीवर के पास कोई रास्ता होता नहीं है, दे हैव नो वे, ठीक है, ऑफ नोइंग व्हाट दे आर मेकिंग द क्लोथ फॉर और हु दे आर मेकिंग द क्लोथ फॉर और एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड। मतलब कि किसके लिए वो कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कितने प्राइस में वो कपड़ा बिकने वाला है, उनको कुछ भनक नहीं होती इस बारे में, उनको कुछ पता नहीं होता, बस ये जो कपड़ा बनाना है ये धागा ले लो, ठीक है, तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा, बस इतना ही होता है, ये कपड़ा बनने के बाद में तुम मेरे पास ले आना, ठीक है, इतना ही जो है बस वीवर का एक वो होता है, सर्कल होता है, ठीक है, इससे बाहर का जो है उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो क्लोथ मार्केट में मर्चेंट जो है इस कपड़े को बहुत बड़े दाम में बेचता है, ठीक है, गारमेंट फैक्ट्रीज को ज़्यादा दाम में बेचता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मार्केट जो है वो किसको फेवर ज़्यादा करती है, वो मर्चेंट को फेवर ज़्यादा करती है, समझ रहे हो आप। मतलब कहने का यही है कि जो अगर फ़ायदा अगर देखा जाए तो मर्चेंट का फ़ायदा जो है कंपेयर टू वीवर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ रहे हो। अब पावर लूम वगैरह में यूँ सपोज कर लो कि जैसे बिजली का खर्चे की बात करें, ठीक है, एक वीवर का खर्चे की बात करें तो थोड़ा खर्चा शायद उसने जो है मतलब कि उस पर कर दिया, अपनी मशीन पर कर दिया, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, दे भी रखा है यहाँ पर वीवर जो है उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी सेविंग को, ठीक है, या जो उसे उधार लेना पड़ता है हाई इंटरेस्ट रेट में, जैसे मैंने बताया आपको कि भाई हाई इंटरेस्ट रेट के बगैर तो कोई भी ट्रेडर मर्चेंट जो है आपको उधार देगा ही नहीं, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर गरीब, स्पेशली इफ़ यू आर पुअर, तो वीवर जो है इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, पावर लूम लेने के लिए, भाई बड़ी मशीन है ना, ठीक है, बड़ी मशीन है तो पैसे मतलब कि इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, पहले मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो पैसे बोरो करने होते हैं, उधार मांगने पड़ेंगे, उसके लिए हाई इंटरेस्ट रेट है, समझ रहे हो। तो जैसे कि एक लूम का अगर खर्चा मानो तो मतलब 20,000, ठीक है,
तो अगर ऐसे दो लूम भी खरीदनी पड़ गई, दो मशीन भी खरीदनी पड़ गई, तो 40,000। अब भाई 40,000 जो है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ठीक है, मतलब वो कर लेंगे, लेकिन एक गरीब आदमी, समझ रहे हो, जिसकी पूरी महीने की अगर तनख्वाह 10,000 है, ठीक है, 10,000, 8,000, 12,000, तो भाई उस पर जो है ना दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब कहने का यही है कि ये जो उनका इन्वेस्ट करना पड़ता है, उन्हें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, अगर इसको माइनस भी कर दें उससे जो इनको पैसे मिले हैं मर्चेंट्स, यानी इनको जो मिला है, तनख्वाह मिली है इनको, ठीक है, उस काम की, तो उससे, उसमें से अगर इसको 40,000 को माइनस भी कर दें, ठीक है, तो कितना इनके पास में वो मार्जिन बचेगा, मतलब कितने पैसे बचेंगे, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, और अगर चलो आप यूँ बोलो कि भाई इन्होंने एक बार खरीद ली, ठीक है, अब बार बार तो नहीं खरीदनी पड़ेगी ना, ठीक है, लेकिन यार उसके मेंटेनेंस में भी तो कॉस्ट आती है, उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा उस मशीन को, समझ रहे हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर खर्चा भी तो आएगा, उस पर जो है क्या बोलते हैं, बिजली का खर्चा भी तो आएगा, बिजली भी तो फूक रही है, ठीक है, तो बिजली का खर्चा भी आता है, उसका मशीन का मेंटेनेंस का खर्चा भी आता है, और अपना भी जो है मतलब हार्ड वर्क लग रहा है, 12-12 घंटे काम कर रहे हो यहाँ पे, जैसे बता भी रखा है वीवर और उनकी फैमिली मेंबर जो होते हैं वो 12-12 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और उस पूरे काम के लिए सिर्फ उन्हें कितने मिल रहे हैं, 3,500 मिल रहे हैं महीने, मतलब 10,000 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, 3,500 एक महीने में, और मशीन कितनी आ रही है, दो मशीन आ रही है 40,000 की, तो समझ रहे हो मतलब कि कितना डिफरेंस है, कि ना प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है कि अगर उधार लेंगे तो फंस गए, ठीक है, फंसते जाएंगे, उधार पूरा करने के लिए दूसरा उधार लेना पड़ जाएगा, नहीं तो, या फिर कुछ चीज़ बेचनी पड़ जाएगी, और अगर उधार नहीं भी लिया, अगर अपनी सेविंग्स जो है वो अगर लगा दी, जो उसमें मतलब अपनी जो सेव कर रखी थी वो अगर लगा दी मशीन को खरीदने के लिए, तो भी यहाँ पे देखो ना कितना पैसा मिल रहा है, इस काम के लिए मिल कितना रहा है आपको, अगर आपने मशीन खरीद भी ली तो कितना मिल रहा है, 3,500 महीने में, 3,500, समझ रहे हो, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, उससे मतलब कि गुजारा ही चल पाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली एक वो है, दुखद चीज़ है, ठीक है, गरीब आदमी के लिए स्पेशली, ठीक है, मर्चेंट के लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, समझ रहे हो, क्योंकि वो तो महंगे में बेचेगा इस चीज़ को मार्केट में, गारमेंट फैक्ट्री को तो महंगे में बेचेगा। अब ये जो अरेंजमेंट होता है मर्चेंट और वीवर के बीच में, इसको कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, जो मैंने आपको बता दिया, पुटिंग आउट सिस्टम आपको याद रखना है, टर्म जो है याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकती है, या फिर आप उसको लिख भी सकते हो, ठीक है, पुटिंग आउट सिस्टम, जो कि ज़्यादातर आपको रीजन्स में देखने को मिलेगा वीविंग इंडस्ट्री में, ठीक है, वीविंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो है भारत में आपको यही प्रकार का सिस्टम देखने को मिलेगा, कि जिसमें मर्चेंट जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और उसको रिसीव होता है फिनिश प्रोडक्ट, मतलब कि जो बना हुआ कपड़ा जो है उसको मिलता है, फिर उसको जो है वो आगे सप्लाई कर देता है, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह को। तो ये जो वीविंग इंडस्ट्री का जो ये सिस्टम है, इसको बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, याद रखना नाम जो है अमला आपको पता होना चाहिए, टर्म याद होनी चाहिए। अब वीवर कोऑपरेटिव की बात करते हैं, ठीक है, वीवर कोऑपरेटिव देखो ना एक तरीका है जिससे वीवर्स जो हैं अपना डिपेंडेंस को रिड्यूस कर सकते हैं मर्चेंट के ऊपर, और जो है अपनी एक बेसिकली एक सॉलिड बेस बना सकते हैं, अपनी जो इनकम का ना, ज़्यादा इनकम का एक सॉलिड बेस बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। हम अब तक जो है हमने पढ़ लिया है कि वीवर जो है उनको बहुत कम पैसा मिलता है, ठीक है, मर्चेंट के द्वारा इस पुटिंग आउट सिस्टम में, ठीक है, मतलब कि पुटिंग आउट सिस्टम जो है ये काफ़ी मतलब हानिकारक है, ठीक है, वीवर्स के लिए। तो वीवर जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेटअप कर ली अपनी कोऑपरेटिव, ठीक है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव, समझ, हैंडराइटिंग मत देखना, मत समझ जाना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि को का मतलब क्या होता है, सभी मिलजुल कर, ठीक है, ऑपरेटिव मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेटिव मतलब कि सभी मिलजुल कर जो है इस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कोऑपरेटिव आपने कई सारी इंडस्ट्री में देखा होगा, जैसे कि डेयरी फार्मिंग में मतलब जो है आपको मिल्क कोऑपरेटिव्स मिलती हैं, ठीक है, अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, ये बेसिकली मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं, समझ रहे हो। तो इसके बारे में शायद आपने थोड़ा बहुत सुना हो, ठीक है, गुजरात में अगर थोड़ा बहुत आपने न्यूज़ में कभी पढ़ा हो, तो ऐसे ही जो है अलग अलग प्रकार की कोऑपरेटिव्स होती हैं, ठीक है, फार्मो कोऑपरेटिव्स हैं, उसके बाद में और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में आपको कोऑपरेटिव्स देखने को मिलेंगी। वो करती क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है, वो इनका फंक्शन एक ही होता है, मतलब कॉमन इनका फंक्शन वो होता है कि जो हमारी डिपेंडेंस है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना, ठीक है। अब इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, यहाँ पे वीवर की बात हो रही है, फार्म कोऑपरेटिव होगा तो फार्मर की बात हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो, मिल्क कोऑपरेटिव होगा तो जो डेयरी फार्मिंग जो कर रहे हैं लोग, ठीक है, उनकी बात हो रही है, मतलब। तो अब जो ये वीवर कोऑपरेटिव होती हैं, इनका पर्पज़ क्या होता है, देखो इनका पर्पज़ जो है दो होते हैं, ठीक है, बेसिकली पहला पर्पज़ तो इनका वो होता है कि जो डिपेंडेंस बन रही है,
ठीक है, एक गरीब आदमी की, एक वीवर की जो डिपेंडेंस बन रही है इस इंडस्ट्री, वीवर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप इसको जो है हर इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वीवर इंडस्ट्री में जैसे एक डिपेंडेंस बन रही है एक वीवर की मर्चेंट के ऊपर, ठीक है, और वो डिपेंडेंस जो है काफ़ी मतलब कि डिसएडवांटेज क्रिएट कर रही है एक गरीब आदमी के लिए, एक वीवर के लिए, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करना स्पेशली जो है एक इम्पॉर्टेंट गोल है इस वीवर कोऑपरेटिव का। ठीक है, दूसरा क्या है, अर्न अ हायर इनकम फॉर द वीवर्स, एक ज़्यादा इनकम का जो है सोर्स सेटअप करना, ठीक है, एक स्टेबल सोर्स सेटअप करना इनकम के लिए, तो वो जो है इसका दूसरा गोल है, ठीक है, आपके वीवर कोऑपरेटिव का। अब वीवर कोऑपरेटिव यानी इस कोऑपरेटिव में क्या होता है कि जो लोग कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, मतलब जिनका एक कॉमन गोल है, समझ रहे हो, कहने का मतलब वो कि अगर जो है आप एक प्रकार का कपड़ा सील रहे हो, वीव कर रहे हो, ठीक है भाई, हम तो है साड़ी का जो है कपड़ा सीलते हैं, ठीक है, या फिर जो है हम शर्ट के लिए कपड़ा सीलते हैं, तो आपका एक कॉमन गोल हो गया, समझ रहे हो, एक कॉमन गोल कोई भी, ठीक है, वीविंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, कोई दूसरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, इसी इंडस्ट्री में एक कॉमन गोल को लेकर जब कुछ लोग एक साथ में आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई हम सब जो है यही काम कर रहे हैं, तुम भी साड़ी का कपड़ा मतलब कि बना रहे हो, हम भी यही बना रहे हैं और वो भी यही बना रहा है, ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं ना, तीनों ही साथ में आ जाते हैं, ठीक है, और एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं, तो ऐसे जो है वीवर कोऑपरेटिव बनती है, ठीक है, मतलब कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, ठीक है, कि सभी का फ़ायदा हो, तो हम जो है सब साथ आ जाते हैं, वी शुड कम टुगेदर। और वीवर कोऑपरेटिव में क्या होता है कि वीवर जो है एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, और कलेक्टिवली जो है एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली जो है उस एक्टिविटी को करते हैं, ठीक है, तो कैसे करते हैं वो, उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि दे प्रोक्योर यार्न फ्रॉम द यार्न डीलर, मतलब जो काम मर्चेंट कर रहा था पहले, ठीक है, जो यार्न मर्चेंट खरीद के दे रहा था वो डिपेंडेंस यहाँ पे कट कर दी इन्होंने, ठीक है, यार्न जो है भाई हम सीधा खरीदेंगे यार्न डीलर से, ठीक है, और हम ज़्यादा मात्रा में खरीद पाएंगे, कैसे, क्योंकि हम कई सारे लोग हैं, हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, तो उस वजह से जो है हम यार्न डीलर से डायरेक्टली उसको यार्न को खरीद पाएंगे, तो यहाँ पे डिपेंडेंस खत्म हो गई, समझ लो डिपेंडेंस कट हो गई है, और डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दी वीवर्स, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपस में, ठीक है, जो यार्न खरीदा है, जैसे कि पांच लोग हैं कुछ यार्न खरीद लिया, तो वन बाय फिफ्थ सबको मिल जाएगा वो, ठीक है, और जो कोऑपरेटिव है वो मार्केटिंग भी करेगी, मार्केटिंग का मतलब इन द सेंस कि जो बेचना है अब उसको कपड़े को, बन गया कपड़ा आपने वीव कर लिया, उसको बेचने की जो डिपेंडेंस थी वो भी कट कर दी यहाँ पे, समझ रहे हो, तो मर्चेंट का मतलब जो रोल है वो रिड्यूस हो गया, मतलब वो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, जो है ना, वीवर को अब जो है फेयर प्राइस मिलेगा क्लोथ के ऊपर, मतलब अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाएंगे ये वीवर कोऑपरेटिव किसके साथ में, गारमेंट फैक्ट्रीज, गारमेंट फर्म्स, ठीक है, गारमेंट जो कंपनीज हैं, ठीक है, इनके साथ में बेसिकली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाएंगे, समझ रहे हो, और जो बेसिकली शॉपकीपर जो हैं गारमेंट शॉप जिनकी हैं, ठीक है, उनके साथ में इनका कॉन्टैक्ट अच्छा होगा, बड़े बड़े गारमेंट शॉप्स के साथ में इनका कॉन्टैक्ट बनेगा, क्योंकि अब मर्चेंट का जो रोल है बीच में वो कट हो गया, ठीक है, तो मर्चेंट का जो लेना देना अब है ही नहीं, तो सारा जो फ़ायदा है इन्हीं को अब होगा, ठीक है, और ज़्यादा फायदा होगा पहले से। तो कई बार जो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि इन कोऑपरेटिव को हेल्प करने के लिए ना इनसे कपड़ा खरीदती है, ठीक है, और वो भी एक रीजनेबल प्राइस पे। अगर एग्जांपल नहीं तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है एक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम को रन करती है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है क्लोथ खरीदती है, ठीक है, पावरलूम वीवर से, पावरलूम वीवर कोऑपरेटिव से, ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत। अब ये जो है इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है एक अच्छा प्राइस दे रही है इन पावरलूम वीवर कोऑपरेटिव्स को, ठीक है, और इस क्लोथ के माध्यम से जो इसने खरीद लिया क्लोथ, ठीक है, वीवर कोऑपरेटिव को तो पैसा मिल गया अपना, अच्छा दाम मिल गया। अब इस क्लोथ से क्या हो रहा है, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, उनको ही जो है बेसिकली टेलर करके गवर्नमेंट जो है अपने सोर्सेज से टेलर करके उनको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि कोऑपरेटिव्स को भी अपना पैसा मिल गया, और जो गरीब लोग हैं जिनको यूनिफॉर्म खरीदने का पैसा नहीं जिनके पास में, उनको भी अपनी बनी बनाई यूनिफॉर्म मिल गई बिना कुछ खर्चे, ठीक है, तो दोनों तरफ फायदा हो गया। और जो पैसा होता है गवर्नमेंट ये लाती कहाँ से है, ये टैक्सेस से लाती है, हमारे जो टैक्सेस हैं हम जो पे करते हैं टैक्सेस, ठीक है, गवर्नमेंट को, वहीं से ही सारा पैसा आता है, ठीक है, गवर्नमेंट का खुद का कोई पैसा नहीं होता, वो टैक्सेस से लेती है, रेवेन्यू जो आता है उसके पास में, ठीक है। अब इसी तरह जो है गवर्नमेंट क्लोथ को बाय करती है हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव से, ठीक है, अभी पावरलूम वीवर कोऑपरेटिव की बात हो रही थी, अब हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव से, जो हाथ से चलते हैं जो, ठीक है, हाथ से वीव करते हैं, ठीक है, और उसको क्या करती है, बेचती है अपने स्टोर्स के थ्रू, ठीक है, जो आपने नाम सुने हो कोऑप्टिक्स, तो वो जो स्टोर्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा रन होते हैं, और वहाँ से जो है गवर्नमेंट क्या करती है कपड़े को बेचती है, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार से जो है ना गवर्नमेंट फ़ायदा करती है
वीवर कोऑपरेटिव्स का भी और गरीब लोगों का भी, ठीक है, दोनों तरफ जो है मतलब कि फ़ायदा हो रहा है और गवर्नमेंट एक सही रोल प्ले करती है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे वीवर कोऑपरेटिव्स के माध्यम से वीवर गरीब वीवर जो है अपना फ़ायदा कर सकते हैं, अपना जो है मतलब कि इनकम का एक स्टेबल सोर्स क्रिएट कर सकते हैं और उनकी डिपेंडेंस जो है, ठीक है, वो कम हो जाती है मर्चेंट ट्रेडर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है ना मतलब कि एक प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो है आपको कई सारी महिलाएं जो है लड़कियाँ दिख रही होंगी जो बटन वगैरह लगा रही हैं, ठीक है, गारमेंट फैक्ट्री के अंदर। तो अब जो है गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री की बात हो रही है दिल्ली के पास में, ठीक है। अब क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, जो है वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। ईरोड मर्चेंट जो है, ठीक है, ईरोड जगह बताई थी मैंने, तमिलनाडु में है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट लगती है, बड़ी मार्केट वर्ल्ड में, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है वो क्लोथिंग मार्केट। तो ईरोड का जो मर्चेंट है वो क्या करता है, कॉटन क्लोथ को सप्लाई करता है किसको, गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री को जो दिल्ली में है, ठीक है। जैसे कि ये फैक्ट्री होगी यहाँ पे जो है, फैक्ट्री की फोटो है ये। तो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री जो है, ठीक है, वो क्या करती है, इस क्लोथ को यूज़ करती है शर्ट को बनाने में, ठीक है। अब ये जो शर्ट हैं ये कहाँ एक्सपोर्ट होंगी, फॉरेन कंपनीज़ को एक्सपोर्ट होंगी, जो यूरोप में है, यूएस में है, ठीक है, वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको ये जो शर्ट हैं ये यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी, ठीक है। और वहाँ पे जो है फिर वो कंपनीज़ अपना टैग लगा देंगी उसके ऊपर, टैग लगा देंगे, ठीक है, ऐसे कि कुछ जैसे कि वो जो शर्ट है उन्होंने खुद नहीं बनाई हो, ठीक है। कपड़ा यहाँ से जाता है, बनता वो कपड़ा यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन टैग लगा देते हैं उसके ऊपर तो उससे बन जाती है उसकी कोई वैल्यू, ठीक है, कि जैसे कि भाई ये जो है ना आसमान से उतर के आया है कपड़ा, ठीक है। ऑल दो वो कपड़ा जो है वो बना यहाँ पर है, ठीक है, बना वो भारत में होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया से वो बन किया जाता है, एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, लेकिन उस पर जो है टैग की वजह से सोचा जाता है कि हाँ भाई ये तो ना यूरोपियन कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है, ये है वो है, लेकिन क्वालिटी कहाँ से है, वो क्वालिटी हमारे यहाँ से आती है, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को है ना बेसिकली कई बार आपको पता नहीं चलती, ये चीज़ आप जो है इग्नोर कर देते हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉरेन बायर्स में से जो है बड़े बड़े बिजनेस लोग होते हैं, ठीक है, बिजनेस कंपनीज होती हैं यूएस यूरोप की, जो काफ़ी सारे जिनके स्टोर्स चलते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बहुत पैसा है उनके पास में। तो ये जो स्टोर्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये अपने टर्म्स के ऊपर जो है इन चीज़ों को खरीदते हैं, मतलब कपड़ा जो है हमसे खरीदते हैं, जो ये बिजनेस करते हैं हमसे, वो मतलब कि यहाँ पे इंडियन लोगों से जो बिज़नेस होता है इनका, वो अपने टर्म्स के ऊपर करते हैं, समझ रहे हो। मतलब ये कहते हैं कि भाई हमें जो कपड़ा चाहिए ना वो हम लोएस्ट प्राइस पे लेंगे, मतलब कि कम दाम पे लेंगे हम तुमसे, ठीक है, तो मतलब बेचना है तो बेचो, ठीक है, नहीं तो हमारे पास और लोग भी हैं, ये ऐसे है ना, मतलब कई बार ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है आपको। तो ये जो चीज़ें हैं देखने को बहुत बार मिलती है, और इसके साथ में वो काफ़ी सारे हाई स्टैंडर्ड्स भी लगा देते हैं कि भाई हमें जो है इस क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, ठीक है, हमें टाइमली डिलीवरी चाहिए, इस दिन पर डिलीवरी हो जानी चाहिए, लेट नहीं लेंगे हम, ठीक है, इस कपड़े में ऐसा ऐसा जो है मतलब कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मैच करने चाहिए जो हमने तुम्हें बताए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे जो है ना मतलब इफ़ बट जो है इसमें लगा देंगे, ठीक है, ऑर्डर के ऊपर अपने बिजनेस में, और उसके साथ में अगर कोई मतलब कि ना अगर डिफेक्ट होगा, ठीक है, कोई अगर डीले होगी थोड़ी बहुत भी अगर होगी तो जो है ना उसको कैंसिल कर देंगे ऑर्डर को, ठीक है, कि मतलब तुमने जो है टाइम पे ये नहीं किया, टाइम उसमें ये डिफेक्ट है, उसमें वो कमी है, ठीक है। तो मतलब फालतू की कमियां भी जो निकालने की आदत होती है ना वो भी आपको कई बार देखने को मिलेगी इन फॉरेन स्टोर्स में, फॉरेन कंपनीज में, ठीक है। तो एक्सपोर्टर जो है वो अपना बेस्ट ट्राई करता है कि भाई जो कंडीशंस हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन कंडीशंस को जो है मतलब मैं मैच कर पाऊँ, ठीक है। और इतने हाई प्रेशर में जब वो जो है क्या बोलते हैं क्या जो ये इंडियन एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ से क्लोथ, वो क्या करता है इतने हाई प्रेशर को मतलब कि सस्टेन करने के लिए वो अपना फ़ायदा देखता है, ठीक है। वो अपना फ़ायदा कैसे देखेगा कि वो जो है कॉस्ट को कट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब कॉस्ट को कट कैसे करेगा कि भाई जब जो उसके काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं ये, ठीक है, अगर इनको कम से कम तनख्वाह मिलेगी ना, समझ लो, अगर इन पे ज़्यादा पैसा मतलब इनकी सैलरी में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होएगा तो उसको ज़्यादा फायदा होएगा, ठीक है, एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जो इंडियन जो एक्सपोर्टर है जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है कपड़े को, उसका फ़ायदा कब होएगा, उसका फ़ायदा तभी हो पाएगा जब वो कम से कम जो है सैलरी इन लोगों को देगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा लें इनसे, यानी मैक्सिमम आउटपुट निकलवा लें इन वर्कर से, और कम से कम दाम पे, यानी कम से कम जो है वेजेस इनको दे वो, ठीक है। इससे जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, ठीक है, और जो है फिर सप्लाई करता है इन गारमेंट्स को किसको, फॉरेन बायर्स को, यानी फॉरेन कंपनीज को, एक सस्ते दाम पे, समझ लो। सस्ता दाम क्यों, सस्ता दाम वो कह रही है ना, ठीक है, कि भाई हम तो सस्ते दाम पे लेंगे। अब ठीक है भाई, तुम सस्ते दाम पे लोगी तो मतलब कि मैं तो अपना फ़ायदा निकालूंगा, तो मैं जो है जिनको काम पे लगा रखा है तो उनको मैं कम दाम दूंगा, मतलब ऐसे जो है ना एक इंडियन एक्सपोर्टर अपना फ़ायदा निकालता है। और आखिरी में जो ये पूरा प्राइस कौन पे कर रहा है, मतलब
कि इसको सबसे जो है मतलब कौन पीड़ित हो रहा है, कौन तकलीफ से गुजर रहा है सबसे ज़्यादा, वो है आपका वर्कर, ठीक है, जो यहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, ठीक है, ये जो हैं सबसे ज़्यादा पीड़ा से गुजरती हैं, क्योंकि इनको सबसे कम दाम यानी बहुत कम दाम जो है इनको दिया जाता है, यानी वेजेस जो है इनकी सैलरी जो है बहुत कम होती है, और काम जो है इनसे भर भर के कराया जाता है, और ऊपर से इनकी कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती है। मतलब सिक्योरिटी इन द सेंस कि जो है आपका कोई जॉब का कोई सिक्योरिटी है क्या कि भाई आपको नौकरी से नहीं हटा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी मन करे फैक्ट्री ओनर का वो किसी को भी जो है जॉब से निकाल सकता है, ठीक है, तो मतलब इनकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मतलब किस किस कंडीशन से जो है इन लोगों को गुजरना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जैसे कि ये गारमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है, इसने 70 वर्कर को एम्प्लॉय कर रखा है, ठीक है, और उसमें से ज़्यादातर जो है वो वीमेन है, ठीक है। अब वीमेन जो है बेसिकली उनको टेम्प्रेरी बेसिस पे एम्प्लॉय करा जाता है, ठीक है, ज़्यादातर जो ये इम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, इनको मतलब कि टेम्प्रेरी बेसिस पे एम्प्लॉय करा जाता है, कब जब भी मन करे, मतलब कि जब भी उसका मन करा फैक्ट्री ओनर का, उसने जो है हटा दिया इनको, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पे बता भी रखा है, व्हेन द एम्प्लॉयर फील्स द वर्कर इज़ नॉट नीडेड, वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव, ठीक है, छोड़ दो भाई नौकरी, जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अब वर्कर के जो वेजेस होते हैं, ठीक है, वो फिक्स होते हैं स्किल्स के अकॉर्डिंग। अब हाईएस्ट अगर बात करें, हाईएस्ट पे किसको मिलती है, जैसे वो मिलती है टेलर को, ठीक है, वो है 3,000 पर मंथ, सिर्फ 3,000, ओनली 3,000 पर मंथ। मतलब इसमें से कैसे आदमी अपना गुजारा चलाएगा, आप सोच सकते हो, ठीक है। तो टेलर जो है, बल्कि ये ज़्यादा अमाउंट है, ये हाईएस्ट अमाउंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो पेमेंट बता रखी है वर्कर्स की, टेलर की 3,000, आयरनिंग वाला जो आयरन कर रहा है, जो प्रेस कर रहा है, उसकी सिर्फ 1.5 रुपया पर पीस, सिर्फ 1.5 रुपया, 1.50 रुपीज़। चेकिंग वाले की 2,000, ठीक है, थ्रेड कट मतलब कि धागा काटने और बटन करने के लिए जो है उसकी 1.5 हज़ार। तो मतलब कि 3,000 जो यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट है ये, ठीक है, लोएस्ट नहीं है। अब वीमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग, पैकेजिंग, मतलब कि जो है ज़्यादातर वीमेन को एम्प्लॉय करा जाता है, और ये जो जॉब्स हैं, ठीक है, आयरनिंग, बटनिंग, पैकेजिंग वगैरह की, ये जो है मतलब कि सबसे कम दाम वाली जॉब्स हैं, ठीक है, सबसे कम सैलरी मिलती है इन जॉब्स में, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है मतलब वीमेन जो है ये भी सोचती हैं कि यार वो घर पे क्या करेंगी बैठ के, ठीक है, थोड़ा पैसे ही आ जाएंगे, थोड़ा आमदनी हो जाएगी, तो इसीलिए जो है वो कम दाम पे वर्क करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। और इसी चीज़ का जो है ये गारमेंट फैक्ट्रीज़ वाले जो लोग हैं, ये अमीर जो लोग हैं, ये फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, ये कम दाम पे जो है मतलब कि तैयार हैं ये लोग काम करने के लिए, तो ठीक है, लगाओ इनको और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराओ इनको, ना मतलब कि पूरा घसाओ, और सबसे कम जो है इनको मतलब कि बहुत कम इनको पैसे दो, ठीक है, इनकी सैलरी जो है वो बिल्कुल मिनिमम रखो, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो ये जो है ना इनका एक वो होता है, मतलब कि तरीका होता है अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का, ठीक है, गारमेंट फैक्ट्रीज वगैरह का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अशर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब जो शर्ट है जो यूनाइटेड स्टेट्स में बेची जा रही है, वो जो है कैसे कैसे मतलब कि वहाँ तक पहुँचती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, कितने में बेची जा रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अब जो शर्ट्स हैं जो वहाँ पे बेची जा रही हैं यूएस में, उनका प्राइस है लगभग 1,800 रुपये, ठीक है, मतलब एक पीस का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एक शर्ट का जो है प्राइस जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1,800 रुपये में वो बेची जा रही है, ठीक है। अब वो शर्ट आई है यहाँ से, वो भारत से गई है, भारत से एक्सपोर्ट हुई है, वो इंडिया की जो कोई गारमेंट फैक्ट्री होगी उसने एक्सपोर्ट करी है वो शर्ट वहाँ पे, समझ रहे हो। तो मतलब कि जो खरीदी है, अब यहाँ पे फिल करते हैं इन ब्लैंक को, तो खरीदी किस्म कितने में गई है, वो परचेज करी गई है 300 रुपये में, ठीक है। जो फॉरेन कंपनी है, जो फॉरेन बिजनेस पर्सन है, उसने खरीदी कितने में है, 300 रुपये पर शर्ट, ठीक है, एक शर्ट का दाम जो है वो 300 रुपये उसने दिया है किसको, गारमेंट फैक्ट्री को जो दिल्ली में है, ठीक है। अब उसके ऊपर उस 300 रुपये जो उसने मतलब कि खरीदी है जो ये शर्ट, उस शर्ट के ऊपर जो है उसने और पैसे भी लगाए हैं, मतलब ऐड लगाने वाले की एडवर्टीजमेंट के लिए जो है उसने अखबार वगैरह में ऐड दी होगी, टीवी में ऐड दी होगी, तो उसके लिए ऐड पे कितना खर्चा हुआ है, 400 रुपये, यहाँ पे 400 रुपये लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टोरेज वगैरह का, स्टोरेज मतलब कि स्टोर भी तो करना है ना उसको, स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आएगा, डिस्प्ले करने का कि भी दिखानी है, ठीक है, वहाँ पे स्टोर पे लगानी, तो उसका बेसिकली पूरा जो खर्चा है वो आ गया आपका 200 रुपये, तो यहाँ पे लिख देते हैं 200 रुपये, ठीक है। पूरा टोटल कितना हो गया, 300, 400, 200, टोटल हो गया 900, ठीक है। और बेच कितने में रहा है वो, मतलब कि जो 900 रुपये में, मतलब कि उसने जो है उसके लगे हैं, मतलब ठीक है, 900 रुपये उसके पूरे लगे हैं इस शर्ट के ऊपर, ठीक है। खरीदी उसने 300 में, ऐड वगैरह के लगे 400 रुपये, और डिस्प्ले के, स्टोरेज के, ट्रांसपोर्टेशन के और जो बाकी खर्चे हैं वो हैं 200 रुपये,
टोटल बन गया 900, बेच रहा है उसको 1800 में। एक शर्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक पीस की, ठीक है। तो फायदा कितने का हो रहा है? 900 का हो रहा है, प्रॉफिट इज 900 रुपये, ठीक है। तो 900 रुपये जो है एक मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है एक शर्ट के ऊपर। और अब अगर सपोज करो कि वो जैसे कि 100 पीस बेच रहा है इसके, ठीक है, 100 पीसेस जो है वो एक मतलब कि इस शर्ट के बेच रहा है, तो 900 रुपये का फायदा एक शर्ट में हुआ, इंटू 100 कर लो भाई, कितना हो गया? 90,000 हो गया। 90,000 जो है प्रॉफिट उसको हो जा रहा है जब वो 100 पीस बेच रहा है इस शर्ट के, समझ लो कितनी बड़ी अमाउंट है मतलब, ठीक है। और अब जब कंपेयर करोगे इसको उस गारमेंट एक्सपोर्टर से, जैसे कि स्मॉल गारमेंट एक्सपोर्टर जो है ये दिल्ली में, अब ये इसका फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक शर्ट को बेच रहा है 300 रुपये में, ठीक है। 300 रुपये में खरीदी है ना, अब उस बड़े वाले जो बिज़नेस है ये फॉरेन बिज़नेस, इसने 300 रुपये में खरीदी है शर्ट, ठीक है। तो मतलब ये दिल्ली वाला जो गारमेंट एक्सपोर्टर है ये 300 रुपये में बेच रहा है शर्ट को, समझ रहे हो ना। तो 300 रुपये में बेच रहा है शर्ट को, तो इसने उस कितना पैसा लगाया है उसको देखते हैं। क्लोथ पे और रॉ मटेरियल पे उसका लगा है 100 रुपये एक शर्ट पे, ठीक है। और वर्कर के जो वेजेस हैं वो मान लो 25 रुपये पर शर्ट, और उसके बाद में जो उसकी ऑफिस को रन करने की कॉस्ट है वो है 25 रुपये, तो मतलब कि 150 रुपये, ठीक है। 100 + 25 + 25 = 150, ठीक है। और बेच कितने में रहा है वो 300 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। फॉरेन बिजनेस को कितने में बेच रहा है, 300 रुपये में बेच रहा है। तो 300 - 150 = 150, तो मतलब एक शर्ट के ऊपर जो है, एक शर्ट के ऊपर उसको 150 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बात करें अगर फॉरेन बिजनेस की, तो उसको फ़ायदा कितने का हो रहा था, 900 रुपये का फ़ायदा हो रहा था उसको एक शर्ट के ऊपर, समझ लो कितना मतलब कि कितना बड़ा मार्जिन है यहाँ पे। 900 - 150 = 750, तो 750 रुपये का मार्जिन है एक शर्ट के ऊपर, कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ऐसे जो है ना, मतलब कि आप देखते हो कि एवरीथिंग, ठीक है, मतलब कि एवरी पीस ऑफ क्लोथ जो बिक रहा है, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पे, उससे फ़ायदा जो है इक्वल नहीं हो रहा सभी को, ठीक है। फ़ायदा जो है वो अलग अलग अमाउंट हो रही है सभी को, समझ रहे हो, मतलब कि इनइक्वालिटी जो है यहाँ पर देखी जा रही है, ठीक है। हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, फ़ायदा किसको हो रहा है, अ चेन ऑफ द मार्केट, चेन ऑफ मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर एट द सुपर मार्केट, ये हमने बात कर ली थी, ठीक है, कि मतलब जो मार्केट का जो ये चेन होती है यही लिंक करती है प्रोड्यूसर को किससे, बायर से, ठीक है। बायर हम हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर कौन है, जो फार्मर है जो कपास को कॉटन को उगा रहा है अपने खेत पे, ठीक है। अब बाइंग और सेलिंग जो होती है वो हर स्टेप पे होती है चेन के इसके, ठीक है, ये भी हमने बात कर ली थी। अब अगर रिकॉल करें तो कौन कौन व्यक्ति थे इसमें जो इन्वॉल्व थे इस बाइंग और सेलिंग में, क्या उन्होंने एक मतलब कि इक्वल गेन किया है, इक्वल प्रॉफिट हुआ है, इक्वल तो नहीं हुआ। 150 रुपये हो रहा है यहाँ पे, तो एक गारमेंट फैक्ट्री वाला जो गारमेंट एक्सपोर्टर जो है, ठीक है, अब गारमेंट फैक्ट्री वाला नहीं बोलूँगा क्योंकि आई थिंक ये छोटा कोई काम, मतलब इसका इतना बड़ा सेटअप नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब कि गारमेंट एक्सपोर्टर जो है ये, समझ रहे हो, जो इसको मतलब कि 150 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और फॉरेन कंपनी जो है उसको हो रहा है 900 रुपये का फ़ायदा एक पीस पर, तो कितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब दे डू नॉट गेन द सेम अमाउंट, ठीक है, ऑन ईच पीस जो वो बेच रही हैं, ठीक है। सबको जो है एक फ़ायदा नहीं, मतलब कि इक्वल अमाउंट का जो है फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, इक्वल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। देयर वर पीपल हु मेड प्रॉफिट्स इन द मार्केट एंड देयर वर सम हु डिड नॉट गेन एज मच एज फ्रॉम दिस बाइंग एंड सेलिंग, मतलब कहने का मतलब वही है कि यहाँ पे सभी को बराबर प्रॉपर प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है, हमने एग्जाम्पल देख लिया है, ठीक है। अब जो है उसका अगर उसकी बात करें, क्या बोलते हैं ये जो वीविंग वाले जो लोग हैं, गरीब लोग जो हैं, अगर उनकी बात करें तो यार उनको 3,500 मिल रहे थे, ठीक है, एक महीने के, तो आप समझ सकते हो मतलब कि अगर 3,500 मिल रहे हैं तो मतलब कि कितना डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वो कोई और चीज़ नहीं बेच रहे हैं, वो 3,500 ही मिल रहे हैं उनको। लेकिन इन लोगों को जो है मतलब कि एक पीस पे 900, तो मतलब कि ऐसे अगर बेच लिया आपने 100-200 बेच लिए वो, और 100 पीस भी बेच लिए, अगर आपने 100 पीसेज भी बेच लिए क्लोथ के, तो 90,000, मतलब डिफरेंस देख रहे हो आप, मोर देन 30 टाइम्स है, मतलब ऑलमोस्ट 30 टाइम्स, ठीक है, 3,000 के ऑलमोस्ट 30 टाइम्स बन जाता है 90,000। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा मार्जिन है एक वीवर की सैलरी में और एक जो है फॉरेन कंपनी जो है उसकी उसमें फ़ायदे में, ठीक है, उसके प्रॉफिट में। डिस्पाइट देयर हैविंग टॉयल्ड वेरी हार्ड दे अर्नड लिटल, मतलब वही है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ जो है उनको खास नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी है यहाँ पे, इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, मार्केट एंड इक्वालिटी की बात करते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। जो फॉरेन बिजनेस पर्सन है उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा बनाया है मार्केट में, ठीक है, हमने बात भी कर ली है, 90,000 का फ़ायदा 100 पीसीज पे। कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर जो है उसने थोड़ा बहुत ही फ़ायदा उसको हुआ है, मतलब कंपेयर टू वीवर तो उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन अगर
कंपेयर करें फॉरेन कंपनी से तो उसको कम फायदा हुआ है, 150 रुपये का, मतलब कि 150 रुपये का ही फायदा हो रहा है उसको एक कपड़े के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बेयरली एनफ टू कवर द डे टू डे नीड्स। मतलब जो ये महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है, यहाँ पे जो महिलाएं ये काम कर रही हैं, ठीक है, इनको कितना मिल रहा है, इनकी अगर सैलरी यहाँ पे देखी जाए तो मतलब कि 2000 चेकिंग के लिए, 2000 टेलरिंग के लिए कितने, 3000 बटनिंग वगैरह के लिए, थ्रेड कटिंग के लिए कितने, 1500। मतलब जो यहाँ पे बटन वगैरह लगा रही हैं ये, इनको 1500 मिल रहा है, सिर्फ 1500 रुपये पर मंथ, समझ रहे हो। और इसी तरह जो है हमने क्या देखा था कि कॉटन फार्मर जो है जो कई महीनों तक अपने कपास उगाती है, अपने फार्म के ऊपर मेहनत करती है, ठीक है, खून पसीना एक करती है, उसको कितना पैसा मिलता है, उसको सिर्फ जो है 3000 रुपये मिले थे, 3000 रुपीज़ मिले थे उसको, कितने के लिए, 400 किलोग्राम जो है कॉटन उगाने के लिए, समझ रहे हो, जो एग्जांपल हमने स्वप्ना वाला देखा था। तो उसमें जो है मतलब कि आप कितनी मेहनत कर लो, ठीक है, लेकिन ट्रेडर जो है आपको फोर्स करता है कि आप जो है मुझे ही बेचोगे, और उसका भी जो अच्छा दाम नहीं मिलता, और ऊपर से हाई इंटरेस्ट रेट में उसने आपको पैसा दिया है, तो कितना पैसा मिल रहा है, कंपेयर कर रहे हो आप, ठीक है, 3000 रुपीज़, सिर्फ 3000, मतलब कि एक जो है ना लेबरर की जो कॉस्ट, लेबरर का जो सैलरी होती है वेज लेबरर की, उसके ऑलमोस्ट बराबर ही है ये, ठीक है, जो सपना ने हमें बताया भी था, हमने उसकी स्टोरी में देखा था, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अ फेयर प्राइस, ठीक है, जो ये फेयर प्राइस नहीं है एक मार्केट में जो मिलना चाहिए एक व्यक्ति को, समझ लो, इतनी मेहनत करने के बाद में, कपास को इतनी गर्मी में उगाने के बाद में जो है एक जो प्राइस मिलना चाहिए, जैसे कि 1800 रुपये जो है वहाँ पे हमने देखा था कि 1800 रुपये जो है प्राइस होगा मार्केट में, ठीक है, कॉटन का पर क्विंटल, तो उसको कितना मिल रहा था, 1500 रुपये, समझ रहे हो। तो मतलब कि 1500 × 4 6000, लेकिन 6000 में से 3000 जो काट लिए थे, ठीक है, तो मिला कितना, 3000। तो कहने का मतलब यही है कि जो अगर फेयर प्राइस अगर जब आपको नहीं मिलता है, जो मार्केट का प्राइस जो है, ठीक है, तो बहुत दुख होता है, ठीक है, लेकिन यही रियलिटी है, समझ रहे हो। अब मर्चेंट और ट्रेडर जो होते हैं या अमीर, ये बीच में आते हैं, मतलब कि बीच में अपना रोल प्ले करते हैं, और मतलब कई बार जो है कि ट्रैप कर लेते हैं एक गरीब आदमी को, एक गरीब वीवर को या एक फार्मर को, समझ रहे हो। तो ऐसे जो है ना कि हमें कई बार देखने को मिलती है सिचुएशन गरीब लोगों की। अब अगर हम कंपेयर करें वीवर से, ठीक है, तब तो ये मर्चेंट और ट्रेडर जो होते हैं, जो बीच में ये मतलब कि बाइंग सेलिंग करते हैं इसकी, ठीक है, क्लोथ की, ये ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, वीवर से कंपेयर करो तो ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन अगर कंपेयर करो एक्सपोर्टर के, जो गारमेंट फैक्ट्री एक्सपोर्टर है, जो 150 रुपये एक शर्ट पे मतलब कि फ़ायदा हो जिसको हो रहा है, उससे कंपेयर टू जो है अगर हम करें तो ये कम कमाते होंगे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जैसे ऊपर मैं लिंक यहाँ पर बता दूँ, ठीक है, मैं चीन बना देता हूँ, फॉरेन कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी के नीचे आपको आ गया गारमेंट फैक्ट्री, ठीक है, इसके नीचे आ गया मर्चेंट, ठीक है, इसके नीचे आ गया आपका वीवर, ठीक है। आई थिंक मैंने एक बार एक और ऊपर बनाया था, ये चीन बनाई थी, लेकिन उसमें शायद मैं जो है ना गारमेंट फैक्ट्री को मिस कर गया था, शायद मैंने गारमेंट फैक्ट्री को जो है मैंने ऊपर नहीं लिखा था। तो मतलब आप देख रहे हो कि जो गारमेंट फैक्ट्री के कंपैरिजन में जो है मर्चेंट को कम फायदा होएगा, जो ट्रेडर मर्चेंट होती हैं, जो छोटे मतलब वो होते हैं, छोटे लेवल पे काम करते हैं, गारमेंट फैक्ट्री बड़े लेवल पे काम करती है। लेकिन वीवर के कंपेयर करें तो इनको ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है, वीवर के अगर कंपेयर करें तो मर्चेंट ट्रेडर जो होते हैं बीच में, इनको ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है, नो डाउट। दस नॉट एवरी वन गेन्स इक्वली इन द मार्केट, इसका मतलब ये है कि सभी लोग जो है इक्वली गेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वीवर से ज़्यादा कमाता है मर्चेंट, मर्चेंट से ज़्यादा कमाता है गारमेंट फैक्ट्री, और गारमेंट फैक्ट्री से कौन ज़्यादा कमाता है, फॉरेन कंपनीज, ठीक है। सो डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट, लेकिन जो वो मिल नहीं रहा है, ठीक है, जो रियलिटी नहीं है, समझ रहे हो। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज, ठीक है, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट इक्वालिटी, लेकिन इक्वालिटी यहाँ पे है तो नहीं ना रियलिटी में, समझ रहे हो। वेदर इट इज़ कांता और स्वप्ना, ठीक है, इफ़ फैमिलीज डोंट अर्न एनफ हाउ वुड दे थिंक ऑफ themselves as equal to others। मतलब अगर आप कमा ही नहीं रहे हो equal, तो आप कैसे बोल सकते हो कि हम equal हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि अगर आपके हाथ में उतना पैसा नहीं है जितना दूसरे लोगों के हाथ में है, तो आप अपने आप को अनइक्वल समझोगे ना, ठीक है। अब एक हाथ पे अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो लोगों को प्रोवाइड करती है कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ कि वो वहाँ पे काम कर सकें, और जो है चीज़ें जो वो उगाते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको वो वहाँ पे बेच सकें, ठीक है। अब इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द वीवर प्रोड्यूसिंग क्लोथ। मतलब कहने का ये कि चाहे वो कोई फार्मर हो जो कॉटन उगा रहा है, या फिर कोई वो वीवर हो जो क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इट इज़ यूजुअली द रिच एंड पावरफुल, ठीक है, दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम द मार्केट।
मतलब कहने का यही है कि अपॉर्चुनिटीज तो सबको मिलती हैं बेचने के लिए, आप बेच तो सकते हो आराम से, ठीक है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं रहा आपको बेचने से। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, तो इट इज़ यूजुअली द रिच एंड पावरफुल, ठीक है, इट इज़ यूजुअली जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, ज़्यादा पावर है, वही जो है ज़्यादातर मैक्सिमम अर्निंग्स ले पाता है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट जो है मतलब कि उसको हो पाता है, ठीक है, मतलब उसी को होता है मैक्सिमम प्रॉफिट जिसके पास ज़्यादा पैसा पावर है, ठीक है, ऑलरेडी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े जो कंपनियाज हैं, उन्हीं को जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, उन्हीं की मैक्सिमम अर्निंग्स होती हैं मार्केट से, ठीक है। दीज आर द पीपल हु हैव द मनी एंड ओन फैक्ट्रीज, लार्ज शॉप्स, लार्ज लैंड होल्डिंग्स, समझ रहे हो, मतलब जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं जिनके, तो यही जो है मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाते हैं, ठीक है। जो गरीब आदमी है उसको थोड़ा बहुत ही मिल पाता है, मतलब कि ना 19-21 ही जो है वो कमा पाता है, ठीक है, 19-21 जो है उसका प्रॉफिट थोड़ा बहुत ही मतलब कि होता है उसका कंपेयर टू दीज पीपल। तो द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स, मतलब कि उनको डिपेंड होना पड़ता है गरीब लोगों को, दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स इन द केस ऑफ स्वप्ना, ठीक है, जैसे कि स्वप्ना का हमने एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें जैसे कि उसने लोन लिया था, वो एक स्मॉल फार्मर है, तो उसने जो है लोन लिया था यानी उधार लिया था, ठीक है, ट्रेडर से। तो ऐसे जो गरीब लोग हैं उन्हें मतलब कि इन बड़े पावरफुल लोगों पे, इन अमीर लोगों पे बेसिकली जो है डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स के लिए और मार्केटिंग के लिए, ठीक है, कि मतलब धागा वगैरह जो है वो भी यही अमीर लोग ही देते हैं, ठीक है, मर्चेंट जो है, अमीर मर्चेंट ट्रेडर्स हो गए, ठीक है, यही जो है धागा देते हैं इनको, मतलब यार्न वगैरह देते हैं। इसके साथ में जो मार्केटिंग है, ठीक है, गुड्स की जो मार्केटिंग होती है वो भी मतलब कि जो है ये मर्चेंट वीवर, मर्चेंट ट्रेडर्स ही करते हैं, ठीक है। पुटिंग आउट सिस्टम जो हमने बात करी थी, आई होप कि आपको याद है, तो पुटिंग आउट सिस्टम में ऐसा ही होता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वर्कर्स एट दी गारमेंट फैक्ट्री, मतलब कहने का ये है कि गारमेंट फैक्ट्री की अगर हम बात करें, समझ रहे हो, तो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे बटन लगा रहे हैं, धागा काट रहे हैं, ठीक है, जो टेलर है गारमेंट फैक्ट्री में, वो भी किस पे डिपेंड है, वो भी इन लोगों पे डिपेंड है जो पावरफुल लोग हैं। अगर इनकी इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो ये जो गरीब लोग हैं ये कैसे कमाएंगे, समझ रहे हो। ऑल्दो ये बहुत कम वेज देती हैं इनको, ठीक है, ये मानते हैं हम कि बहुत कम वेज मिलते हैं इन गरीब लोगों को, ये गारमेंट फैक्ट्रीज जो है ये मतलब कि पूरा खून निकाल लेती, खून चूस लेती हैं इनका, ठीक है, लेकिन जो है इनको सैलरी कितनी देती है, बिल्कुल बहुत मिनिमम, रेयर, ठीक है, बेयर मिनिमम सैलरी मिलती है, ठीक है, इन वर्कर्स को। लेकिन फिर भी जो है ये वर्कर्स किस पर डिपेंडेंट है, इन गारमेंट फैक्ट्रीज के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इन अमीर लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। सो इस डिपेंडेंस की वजह से जो है पुअर आर एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट, मतलब गरीब लोग जो है उन्हें एक्सप्लॉयड करा जाता है। देयर आर वेज टू ओवरकम दीज, हमारे पास में तरीके भी हैं और हमने देखा भी है, जैसे कि कॉपरेटिव्स जो हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम इन सिस्टम्स से बाहर आ सकते हैं, मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन वाला जो सिस्टम है ये, इसको तोड़कर गरीब लोग बाहर आ सकते हैं, ठीक है, कॉपरेटिव की मदद से, समझ रहे हो। तो ये हमने देख लिया है, अच्छा एग्जाम्पल देखा था हमने ऊपर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स की जो ये कॉपरेटिव्स होती हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, हमने बात करी थी वीविंग इंडस्ट्री के बारे में, तो क्या करती हैं ये इंश्योर करती हैं कि जो लॉज हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं। और लास्ट चैप्टर में हम ये पढ़ने भी वाले हैं कि कैसे जो है फिश वर्कर की जो कॉपरेटिव्स होती हैं वो स्टार्ट हुई थी तवा रिवर पे, ठीक है। तो तवा रिवर पे जो ये फिश वर्कर्स की जो कॉपरेटिव है, इसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस यहाँ तक जो है हमने देख लिया है कि कॉपरेटिव जो है कैसे डिपेंडेंस रिड्यूस कर देती हैं मर्चेंट्स ट्रेडर्स के ऊपर, किसकी डिपेंडेंस, वीवर्स की डिपेंडेंस, ठीक है, और उनके लिए जो है मतलब कि वीवर्स के लिए इंश्योर करती हैं कि लॉज फॉलो हो रही हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में उनकी जो एक स्टेबल सोर्स है इनकम का वो बन जाता है, ठीक है, कॉपरेटिव की मदद से। तो ये जो है मतलब कि एक अच्छा तरीका है जिसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ भी लिया है, ठीक है। और गोल 8 की बात करें, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs की बात करें, तो गोल नंबर 8 जो है वो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। आपको याद रखना है कि एक डिसेंट वर्क जो है हर एक व्यक्ति को मिल पाए और जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देश में देखने को मिले। तो ये जो है गोल नंबर 8 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में आता है ये इनिशिएटिव। तो आपको याद रखना है गोल नंबर 8 इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, देश में जो है हमें नेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिले, और उसके साथ साथ जो है वो मतलब कि मिलेगी कैसे, वो तभी मिल पाएगी जब हर एक व्यक्ति को डिसेंट वर्क मिल पाएगा, ठीक है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, ठीक है, आमदनी के लिए। तो यहाँ पे जो है हमने पूरा चैप्टर जो है पढ़ लिया है, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, ठीक है, सारे बॉक्सेस हमने कवर कर लिए हैं, सारी पिक्चर्स जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, सारी जो यहाँ पे इमेजेस दे रखी हैं,
ठीक है। सो यहाँ पर अब जो है कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, ठीक है। अगर अब भी आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ जैसे समझ नहीं आई है इस चैप्टर में, अगर आपको लगता है कि जो है मैंने कोई चीज़ शायद मिस कर दी हो या बताना जो है भूल गया हूँ, तो आप जो है उस चीज़ को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं आपकी क्वेरी का, आपके क्वेश्चन का वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इस पूरी सीरीज़ का, इस एनसीईआरटी सीरीज़ का, यानी क्लास 7 सोशल साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ का लास्ट चैप्टर, ठीक है, जो है चैप्टर नंबर 9, ठीक है, उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।